केमिकल रिएक्शन के बाद हम शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें हम फॉर्मूला और सिंबल यूज करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फर्स्ट सिंबल जो यूज करते हैं वो एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं सिल्वर के लिए हम Ag सिंबल यूज करते हैं, कॉपर के लिए Cu, पोटेशियम के लिए K और लीड के लिए Pb। नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं हम कंपाउंड के लिए। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए हम MgO यूज करते हैं, और लेड ऑक्साइड के लिए PbO, जिंक सल्फेट के लिए ZnSO4, लीड आयोडाइड के लिए PbI2 एंड सिल्वर क्लोराइड के लिए AgCl एंड सिल्वर ब्रोमाइड के लिए AgBr। तो इस तरीके से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल और फॉर्मूला यूज करके किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल यूज करके, फॉर्मूला यूज करके, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। ये जो हमने लिखा है ये वर्ड इक्वेशन है, जिसमें हमने वर्ड्स के फॉर्म में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखा है। अब इसी मैग्नीशियम के लिए हम सिंबल यूज करें Mg, और ऑक्सीजन के लिए हम मॉलिकुलर फॉर्म O2 यूज करें, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO यूज करें। तो इस तरीके से जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उसको हम केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है वो हम सीखते हैं। अब केमिकल इक्वेशन लिखते टाइम रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखते हैं, और एरो यूज करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर मोर देन 1 है तो बीच में प्लस का साइन यूज करते हैं, और फिजिकल स्टेट जो है किसी भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वो ब्रैकेट में मेंशन करते हैं, जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड में होता है। और केमिकल इक्वेशन जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वो बैलेंस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय। इस वजह से हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड होती है। इट मीन्स बोथ साइड जो है एलिमेंट्स का नंबर इक्वल करना होता है, राइट और लेफ्ट साइड। इट मीन्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड जो है एलिमेंट्स का नंबर इक्वल होना चाहिए। और केमिकल रिएक्शन में जो भी असेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड होता है वो केमिकल रिएक्शन के अबव और केमिकल इक्वेशन के एरो के अबव और बिलो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो असेंशियल कंडीशन होती है जो केमिकल रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें एलिमेंट्स के जो एटम का नंबर है वो बोथ साइड इक्वल होता है, और किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। और बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स का नंबर इक्वल करते हैं बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, इट मीन्स विद इन द एरो और आफ्टर एरो। और ये हम करते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी एलिमेंट है, उनके आगे नंबर ऐड करके हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में C3H8 है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है। तो पहले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो भी एटम है उनको बैलेंस करना है फर्स्ट। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कार्बन का नंबर 3 है। अब कार्बन का नंबर 3 है तो यहाँ पे कार्बन का नंबर 2 फर्स्ट जो इक्वेशन में है जिसमें कार्बन का नंबर ओनली 1 है तो उसको 3 बनाने के लिए हमने आगे 3 लिख दिया, तो 3 नंबर ऐड कर लिया तो कार्बन का जो नंबर है वो बैलेंस होके क्या हो गया, 3 हो गया। इस तरीके से कार्बन का नंबर हमने बैलेंस कर दिया। अब बाकी इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया। अब हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन एटम को। अब हाइड्रोजन का नंबर बिफोर रिएक्शन इट मीन्स विद इन द एरो हाइड्रोजन का नंबर 8 है, और यहाँ पे
सिर्फ H2 था, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं H2। अब इसको 8 बनाने के लिए आगे हमने 4 नंबर लगा दिया, तो ये 4 2 8, इस तरीके से हाइड्रोजन का नंबर हमने बैलेंस किया। नाउ द बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का नंबर बिफोर केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर कितना है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 3 2 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे 4 नंबर दे रखे हैं। तो इसका मतलब 4 और 6 10 हो गया ऑक्सीजन का नंबर, और यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 10 करने के लिए हमें रिएक्टेंट साइड 5 नंबर ऐड करना है, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 2 10 ऑक्सीजन का नंबर रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ पे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के साइड फर्स्ट जो है प्रोडक्ट, उसमें ऑक्सीजन का नंबर आगे 3 और पीछे 2, तो 2 3 3 6, और इस ऑक्सीजन के नंबर के आगे 4 है, तो 6 + 4 10। इस तरीके से हम जब भी किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी है एलिमेंट उसका नंबर पहले इक्वल करते, उसके बाद हाइड्रोजन और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। जैसे हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, जैसे हाइड्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन रिएक्ट होके अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का नंबर 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन के आगे 2 लिखा हुआ, तो नाइट्रोजन का नंबर हो गया 2। अब एच के पीछे 3 है और आगे 2, ये नंबर मल्टीप्लाई होके 6 हो गया। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन का नंबर 6 है, और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन का नंबर 2 है क्योंकि पीछे सिर्फ 2 लिख रखा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम आगे 3 लिख सकते हैं। और नेक्स्ट सेकंड केमिकल इक्वेशन, BaCl2 + Al2SO4 3 प्रोड्यूस BaSO4 + AlCl3। तो यहाँ पे पहले जब भी रेडिकल सिमिलर हो, SO4 यहाँ पे 3 टाइम है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ ओनली सिंगल टाइम है क्योंकि ओनली SO4 ही लिखा हुआ है, तो SO4 को 3 बनाने के लिए हम आगे 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया SO4 बैलेंस। अब BaSO4 बैलेंस करने से Ba अनबैलेंस हो गया, तो Ba के आगे 3 लिख लेते हैं, तो Ba हो गया बैलेंस। अब Ba का भी काम हो गया खत्म। नेक्स्ट एल्यूमिनियम का नंबर 2 है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा लेते हैं क्योंकि हमें बैलेंस करने के लिए सिर्फ आगे नंबर ऐड करने का परमिशन है। नेक्स्ट Cl के पीछे 3 और आगे 2, ये नंबर मल्टीप्लाई हुए तो हो गए 6, और इधर Cl के आगे 3 और पीछे 2 मल्टीप्लाई हुए 6। इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, और बाकी आप 2 केमिकल इक्वेशन आप ट्राई कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन से आपको कौन कौन से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन से आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सपोज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, इसका मतलब जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है, L लिखा हुआ है इट मीन्स लिक्विड फॉर्म में, G लिखा हुआ है इट मीन्स गैसेस फॉर्म में, और AQ लिखा है इट मीन्स सॉल्यूशन फॉर्म में, और प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग, जैसे हमने एक्टिविटी 1.2 में डिस्कस किया था कि प्रेसिपिटेट जब भी फॉर्म होगा, तो जब एरो डाउनवर्ड पॉइंटेड होगा तो वो प्रेसिपिटेट को डिनोट करेगा, और जो भी स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वो एरो के अबव और बिलो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो गिवन होगी, और वो इंफॉर्मेशन असेंशियल केमिकल रिएक्शन के लिए जो भी असेंशियल कंडीशन होती है वो इंफॉर्मेशन एरो के अबव और बिलो गिवन होती है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज कैटलिस्ट। नेक्स्ट, कोई भी रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या हीट रिलीज हो रही है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन से। अब राइट हैंड साइड बोले तो प्रोडक्ट के साइड हीट एनर्जी मेंशन है, इट मीन्स जो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस को जब भी आप बर्न करते हो, जैसे CH4 मीथेन होता है मेनली,
व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी 890 किलोजूल एनर्जी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ जो भी एनर्जी मेंशन हो वो रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। तो रिएक्टेंट के साइड एनर्जी एड है, इट मीन्स पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, और वाटर जब भी ब्रेक होगा तो एनर्जी रिक्वायर होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट के साइड एनर्जी एड है, इट मीन्स अ पर्टिकुलर जो केमिकल जो इक्वेशन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है।